थे पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और पीएम के सुरक्षा चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख होंगी। एनआईए के आईजी और पंजाब के एडीजी कमेटी में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं इंदु मल्होत्रा, जिन्हें इस कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ चुके हैं। अवैस, आज की सुनवाई में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेटी बनाई और कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की कमेटियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस दोष को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना रहा है। इसकी अध्यक्षता जो है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा करेंगी। इसमें डीजी, एनआईए, आईजी लेवल के अधिकारी, अगर डीजी एनआईए इसमें शामिल नहीं होते हैं तो आईजी लेवल का अधिकारी जो है वो इसमें एनआईए की तरफ से शामिल होगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जो हैं वो शामिल होंगे। एडीजी पंजाब सुरक्षा जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो साफ तौर पर एक कमेटी जो है वो बना दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई समय सीमा जो है इस कमेटी को जाँच के लिए तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो वो अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। साफ तौर पर अब जो जांच का मामला है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी 5 जनवरी को फिरोजपुर में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी जो है वो बना दी है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा करेंगी। साथ में उनके सहयोग के लिए एनआईए के डीजी या फिर अगर डीजी शामिल नहीं होते हैं तो आईजी रैंक का एक अधिकारी जो है वो शामिल होगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के एडीजी सुरक्षा जो हैं वो शामिल होंगे और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इसमें शामिल होंगे। साफ तौर पे समय सीमा नहीं तैयार की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की जांच कमेटी के ऊपर लग रहे हैं, पंजाब सरकार की हो या केंद्र सरकार की, उसको दूर करने के लिए कमेटी जो है वो बनाई गई है। साफ जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लेकर जो चूक हुई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चूक हुई है उसका पता ये कमेटी लगाएगी, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं इसका पता लगाएगी और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल, अब ऐसा बने रही हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, वो भी